गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था कि इन टेक्स्ट फाइल वी ऐड द डाटा, वी रीड द डाटा। देन वी डिस्कस इन द बाइनरी फाइल हाउ वी कैन राइट द डाटा, हाउ वी कैन रीड द डाटा। बट थर्ड थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इन द केस ऑफ योर बाइनरी फाइल, इफ यू वॉन्ट टू मॉडिफाई द डाटा, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन में देर इज ए वन प्रॉब्लम जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सर हमने एक रिकॉर्ड हमने ऐड किए थे, सपोज इट इज ए रोल नंबर, नेम, मैं रोल नंबर सीधे टाइप करता हूँ, रोल नंबर सपोज इट इज ए वन, देन नेम इज सपोज एबीसी एंड मार्क्स 98, रोल नंबर टू इज देन नेम एंड रोल नंबर थ्री। तो मैं यहाँ पे टेबलर फॉर्म में शो कर रहा हूँ, बट इन ए बाइनरी फाइल दीज आर नॉट इन ए टेबलर फॉर्म, ठीक है, तो वो तो एक ही रो में हो सकते हैं या जो भी इसका स्ट्रक्चर है। हम ये करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग वर्क, वी रीड फर्स्ट रिकॉर्ड, देन वी रीड सेकेंड रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ लोड फंक्शन। सपोज हमने रोल नंबर टू का डाटा चेंज करना है, तो जब हम उसको रीड करेंगे, अविश वी वांट टू चेंज दी डेटा ऑफ रोल नंबर टू, बट रिमेंबर वन थिंग, आफ्टर रीडिंग वी विल फाइंड आउट कि दिस रिकॉर्ड इज फॉर मॉडिफिकेशन। जब हम रिकॉर्ड को रीड कर लेंगे तो हमारा कर्सर यहां पे ब्लिंक करेगा, रिकॉर्ड के एंड में या नेक्स्ट रिकॉर्ड के बिगिनिंग में, ठीक है। अब हमने इसका मतलब ये हुआ इस कर्सर को रिकॉर्ड की बिगिनिंग में ले किया और डाटा को ओवरराइट करवाना, क्लियर। अब हमारे पास कोई ना कोई ऐसा मार्क होना चाहिए, ऐसा एक साइन होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि हमारी बिगिनिंग, रिकॉर्ड की बिगिनिंग क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेंगे पॉप, या पीओएस कुछ भी ले लो, पीओएस ले लिया पोजिशन। इसमें हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लगाएंगे दैट इज कॉल्ड एल जी, तो एल जी फंक्शन विल टेल जब भी ये जहां पे भी एनकाउंटर होगा ये, तो वो उसकी पोजीशन बता देगा। अगर हम इसको इसके बाद रीडिंग करते हैं, लोड फंक्शन के बाद लगाते हैं, ठीक है, अभी सुन लो बेटा पहले इसको, if load function is after that, it means it will show the beginning of the record. अगर load function के बाद लगा देंगे हम, तो record का end आएगा. Remember, देखो, हमने beginning में लगा दिया. Beginning में इसकी position क्या होगी? Zero. ठीक है? उसके बाद हमने record read किया, तो वो कहाँ पे हम चले गए? Record के end में loop फिर से चलेगा, तो वो next record की beginning होगी, फिर third record की beginning होगी. पर अगर load function हम पहले लगा लें, फिर tell g लगाएं, इसका मतलब वन रिकॉर्ड रीड हुआ, हमारा कर्सर कहाँ पे था, यहाँ पे, तो टेल जी में क्या होगा, रिकॉर्ड का एंड, ठीक है, नीचे आओ यहाँ पे। अब जब भी हमने जिस रिकॉर्ड को भी चेंज करेंगे, उस रिकॉर्ड के एंड में होंगे, हमने इसको उसके रिकॉर्ड के बिगिनिंग में शिफ्ट करना है। तो बिगिनिंग कहाँ पे होगी, पीओएस में, क्योंकि पीओएस क्या कर रहा था, रिकॉर्ड को रीड करने से पहले वो टेल जी बता रहा है कि ये इसकी पोजिशन कौन सी है। मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर रहा हूँ, ये है रिकॉर्ड की बिगनिंग, जीरो लिख रहा हूँ, इससे पहले हुआ ना, कर्सर भी रीड ही नहीं हुआ, डाटा रीड ही नहीं हुआ। सपोज हमारे फाइल में टोटल साइज है 10 bytes का, तो ये 10 के ऊपर होगा, ठीक है, एंड में, और ये स्टार्ट अगले रिकॉर्ड की स्टार्टिंग में कहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, रीड करने के बाद ही जाएगा ना, 10th पे चला गया ना, तो ये कहाँ पे होगा,
ठीक है, इस तरीके से पोजीशंस होंगी उनकी, ठीक है। तो हम जब भी हम यहाँ पे 20th है, हमने कहाँ पे जाना है, 10th में वापस जाना है, और 10th पोजीशन में कौन बताएगा, ये वाला, ये वाली कमांड, QS, ठीक है। तो इससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा POS के ऊपर वर्क करते हैं, एल जी फंक्शन करता क्या, क्योंकि अगर आप उसको इसका बारे इसके बारे में पता होगा, देन यू कैन मॉडिफाई द डाटा, अदरवाइज इट इज नॉट यू कैन से करेक्ट वे टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यस्टरडे वी रीड सम प्रोग्राम, तो रीडिंग वाला जो प्रोग्राम था दैट इज बाइनरी टू होगा शायद, न्यू वन न्यू टू, ठीक है। ये तो हमने रीडिंग की थी, ठीक है, रीडिंग कर रहे हैं ना। यहाँ पे मैंने फंक्शन लगाया, पीयूएस इज अ वेरिएबल इज इक्वल टू सीक फंक्शन, देन हमने यहाँ पे एक फंक्शन लगाना है दैट इज सीक टेल जी फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे एफ डॉट टेल जी, ठीक है अभिष, और यहाँ पे हमने सिर्फ डिस्प्ले किया POS। आई थिंक हमारे तीन रिकॉर्ड थे, थ्री रिकॉर्ड सब थे, ठीक है, तीन ही थे। यहाँ पे आ रहा है जीरो, एक मैं फाइल में जो चेक करूंगा, फाइल में डाटा है कि नहीं, जैसे आई एम डिस्प्लेइंग हियर, ये देखो बेटा, एक तो ये है कि जब आप डिस्प्ले करते हैं ना, इसने सारा रिकॉर्ड एट ए टाइम रीड कर लिया, अगर आप इसको मॉड्यूल्स में डिस्प्ले करते हो, ये ओपन कर ले जो हमने कल किया था बेटा, ये प्रोग्राम बना हुआ आपके पास, अवेज बना हुआ कि नहीं, देखो तभी हम आगे करते हैं। पहले ना आपको एक ये वाला इजी वे, ये देखो बेटा हमने ये रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाए ना, हमने देर आर थ्री रिकॉर्ड्स, वन टू थ्री, वन टू एंड थ्री, ठीक है, इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। यहाँ पे अगर आप कोई कंडीशन सेट कर दो, ठीक है, लाइक इफ यहाँ पे एक आर जीरो, यहाँ पे आई थिंक हमने अपेंड फंक्शन भी लगाया था राइट में, राइट
यहाँ पे ना कुछ मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले एक राइट वाला फंक्शन साथ में बना रहा हूँ। जो फाइल बनी ना वो जो एग्जैक्टली एज पर दी जो जिस फॉर्मेट में होनी चाहिए वो उस फॉर्मेट में नहीं है। न्यू वन हियर वी यूज फोर आई रिंग रेंज थ्री, सो आई एम टेकिंग हियर बाइनरी फाइल वन। देन वी टेक रोल नंबर इनपुट फ्रॉम यूजर। सर वो मोड चेंज करना WB राइटिंग करना। इस प्रॉब्लम में सर वो जो लिस्ट बनी है दैट इज अ नेस्टेड लिस्ट आपके पास क्रिएट होगी, वो सारे रिकॉर्ड एज इट इज पिक कर रहा है एक ही उसमें, तो हमने सेपरेट करने है वो रिकॉर्ड को, एक रिकॉर्ड को सेपरेट करना है। सो दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग हियर इनपुट एंटर रोल नंबर, जो हमने कल कर चुके हैं फिर मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ। रोल नंबर नेम एंटर name, then marks, load, input, enter, marks, after that take one list student is equal to r n then m and load this in the file. So file में आपने load करना है इसको, so you will use pickle dot load, इसको load करना है s को, कहाँ पे करना है f में। सर सर वो एस के एंड में सर ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट डाली लिस्ट की वो स्क्वायर। यस ठीक है, आफ्टर दैट क्लोज द फाइल आई एम रनिंग द प्रोग्राम। लोड भी करने डंप आना चाहिए। ये डंप आना चाहिए ठीक है। रन द प्रोग्राम, रोल नंबर वन नेम मार्क्स, रोल नंबर टू नेम देन मार्क्स, रोल नंबर थ्री देन मार्क्स। तो न्यू फाइल इज जनरेटेड बाइनरी वन, आई ओपन दिस इन नोटपैड, तो ये डाटा हमारे पास पड़ा है ठीक है। नाउ आई ओपन न्यू टू फाइल, तो हमने बाइनरी वन को रीड करना है ठीक है, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। ये देखो देखो रियल डिफरेंस, वहां पे क्या बनती थी नेस्टेड बनती थी ना, तो फर्स्ट रिकॉर्ड वहां पे हमने क्या किया था उसने अपेंड करते रहे और राइट हमने क्या किया था लूप के बाहर, सो दैट वाज द प्रॉब्लम। तो अब हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है यहाँ पे थ्री रिकॉर्ड्स, तो इफ यू वांट टू सर्च समथिंग ठीक है इन योर प्रोजेक्ट देयर इज सर्चिंग फीचर ठीक है, तो सर्चिंग में हमने ऐसे करना है कंडीशन लगानी है इफ नॉट टेल मी रोल नंबर इन विच पोजीशन विच इंडेक्स जीरो ठीक है, तो इफ आर जीरो डबल इक्वल टू टू ठीक है, तो हमने वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिसमें रोल नंबर क्या है टू है। तो नाउ
only the roll number 2 will be displayed. ठीक है, और अगर हमें इसको बहुत अच्छे फॉर्मेट में करना है तो प्रिंट आर 0 कॉमा आर 1 कॉमा आर 2, तो ये लिस्ट की फॉर्मेट में नहीं होगा, इन ए नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, तो दिस इज योर सर्चिंग. ये हमने फर्स्ट हमने रीडिंग इज देयर, राइटिंग इज देयर. ठीक है, थर्ड वन इज सर्चिंग. अब हमारे पास है दैट इज मॉडिफिकेशन. तो मॉडिफिकेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं लोड फंक्शन के इमीडिएटली आफ्टर आई एम यूजिंग EOS इज इक्वल टू एफ डॉट टेल. ठीक है, और मैंने यहाँ पे कंडीशन का हटा दी क्योंकि मैंने कोई सर्चिंग नहीं कर रहा. सर्चिंग इज क्लियर. ठीक है, तो आफ्टर दैट एट डिस्प्ले प्रिंट EOS. आई रन द प्रोग्राम. ये देखो बेटा 02958. It means each record is consuming how many bytes? 29 bytes. ठीक है, अब हमारे पास है ये रिकॉर्ड की बिगनिंग है. अगर इफ आई एम डूइंग POS tell the function after load, इसको बेटा चेक करना कैसे चेंजेस होगी. 20 ये रिकॉर्ड का एंड है 29, 58, 86. वो क्या आ रहा था बिगनिंग रिकॉर्ड की बिगनिंग आ रही थी 029. इसका मतलब 0 से लेके 28 तक डाटा पड़ा हुआ, नेक्स्ट डाटा 29 से लेके 57 तक पड़ा हुआ है, देन 58 से लेके एंड तक. ठीक है, ये आपका ये बिगनिंग है, ये क्या है एंड. ओके, क्लियर. तो अगर और स्पेसिफिक करना है आपने तो ये देखोगे, ये आपने ध्यान से देखना. मैंने एक और वेरिएबल है POS 1. तो POS बताएगा बिगनिंग, POS 1 बताएगा एंडिंग. तो हमने पहले क्या किया, POS को डिस्प्ले किया कॉमा, हमने रिकॉर्ड को डिस्प्ले किया, रिकॉर्ड किस में आ रहा है आर में, फिर मैंने POS 1 को डिस्प्ले किया. हो गया. ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने रिकॉर्ड में एंड में है हो, तो आपके पास बिगनिंग रिकॉर्ड की बिगनिंग किस में है. तो अगर आपने रिकॉर्ड की बिगनिंग में आपने POS लगाया हुआ लोड फंक्शन से पहले, तो POS में रिकॉर्ड की बिगनिंग होगी. तो शुड आई चेंज दिस, अविश करें आगे, इसको नोट तो नहीं करना आपने. अब हमने ये हटा देते हैं, हमें पता है कि रिकॉर्ड की POS में हर एक रिकॉर्ड की बिगिनिंग में आते हैं. ठीक है, अब हमने यहाँ पे सिंपली एक किया कि इफ R0 क्या है रोल नंबर, अगर रोल नंबर 2 आ जाए तो रोल नंबर 2 में हमने क्या करना है कि उसका जो नेम है, उसका जो मार्क्स है R1 लेंगे या R2 लेंगे, R2 उसको 100 कर देना, मॉडिफाई कर देना. पर प्रॉब्लम ये होगी, मॉडिफाई करने के बाद हमें डंप भी तो करना पड़ेगा ना. ठीक है, तो R हमारे पास R पड़ा हुआ है. ठीक है, R पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है. तो हम यहाँ पे करेंगे पिक्सल डॉट डंप, इसको करेंगे आर को करेंगे और एफ लेंगे. वो कंटिन्यूटी में चलता रहेगा तो उसको हमें उसके बाद क्या करना चाहिए, ब्रेक लूप को क्या करना चाहिए, ब्रेक. तो ब्रेक कर देते हैं लूप को. पर प्रॉब्लम ये है कि जब वो हमने डाटा रीड हुआ
वो तो उसमें रिकॉर्ड के एंड में था, 58 यहाँ पे था, हमने इसको कहाँ पे लेके आना पड़ेगा, रिकॉर्ड के स्टार्टिंग में, मींस पीयूएस, तो कौन सा फंक्शन में इज यूज फॉर मूवमेंट, सीक फंक्शन, क्लियर, कंसेप्ट इज क्लियर। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले कर्सर की बिगनिंग में आना, फिर चेंज, फिर डाटा चेंज करके राइट करना है, ठीक है, राइट करने के बाद ब्रेक कर देना लूप को, उसके बाद हमें लूप की जरूरत नहीं। तो हियर एफ डॉट सी, वेयर यू वांट टू गो, पीओएस पर इस, ठीक है, पीओएस सर्वर, पीओएस चेंज हो रहा है, हर एक रिकॉर्ड की बिगिनिंग आ रही है, तो हमने एंड में थे, रिकॉर्ड की बिगिनिंग में आ रही है, ठीक है। I implemented this. यहाँ पे right line number 10. नहीं चाहिए हमको, तो इसके राइट फंक्शन अनसपोर्टेड ऑपरेशन राइट है, ओ टेल मी कौन सी प्रॉब्लम है, पूरी कोडिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रीड द कोडिंग एंड फाइंड आउट व्हिच इज द प्रॉब्लम। सर ऊपर मोड आरबी हमने यस डंप वेरी करे थे गुड, तो लोड हमें क्या सर, लेना पड़ेगा, यस आरबी, आरबी प्लस ठीक है, तो रीडिंग भी राइटिंग भी, ये देखो यहाँ पे ऑपरेशन चल पड़ा, ठीक है, देयर इज नो एनी एरर, पर हमें हम चेक भी तो करना है ना, तो चेक करने के लिए आई एम सेविंग इट एज, यहाँ पे एक इसको सेव एज मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सेव डिस्प्ले करना है हमने रिकॉर्ड को, ठीक है, तो कोड को डिस्प्ले करने के लिए नो नीड ऑफ रिपीटेशन हियर, ठीक है, सिंपली लोड करने के बाद प्रिंट करना सिर्फ हमें, प्रिंट आर, ठीक है, ये डिस्प्ले के लिए सर, आई रन द प्रोग्राम, डाटा चेंज नहीं हुआ हमारे पास, मैं चेक करता हूँ फिर से, हमें रूल नंबर 2 का करना था ना डेटा चेंज, अभी इंप्लीमेंट करो बेटा, हो सकता है हो चुका होगा आपका, इन्हें सी बहुत सा था, वो तो अभी बनाया था हमने, ओवरराइड हो गया लगता है, सर 4 वाली है ना, ठीक है, 4 वाला तो हमारे पास चेंज कर दिया हमने डाटा, आई एम अगेन क्रिएटिंग दिस, दिस इज वार ऑफ थिंग, सेव एस, तो हियर इज अ टेल फंक्शन, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ लोड किया था, उसके बाद इफ आर 0 डबल इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमने सीक फंक्शन लगाना है, देन आई चेंज आर 2 डबल इक्वल टू 100, देन पिक्सल डॉट डंप आर कॉमा एफ,
तो एक फाइल आपकी सेम तो सेम ही है ना, फाइल आपकी क्वांटिटी वोटिंग इज 100% करेक्ट बेटा। अभी अप्लाई किसके पर्पस नहीं हो रही ना चेंज। अभी जो फाइल ओवरराइट हुई थी ना वो ये वाली आई थी, ये फाइल ओवरराइट हो गई थी इसमें। उन्होंने फाइल को जो ओवरराइट किया ना, वो फाइल नंबर 2 थी जिसमें उन्होंने डाटा राइट किया था, उसमें सेम फाइल राइट ओवरराइट हुई है इसमें। नहीं, वो मैं इसके कह रहा हूँ, ये मैंने प्रोग्राम नंबर 5 चला रहा हूँ ना, इन प्लेस ऑफ आर आई यूज डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू मोड क्या करता है कि डाटा को ओवरराइड कर देता है। ठीक है, जैसे मैंने इसको चलाया, वो जो मेरे पास फाइल थी उसके सारे रिकॉर्ड नील हो गए। क्यों? क्योंकि राइट मोड से सारा डाटा डिलीट हो गया, क्योंकि न्यू डाटा तो मैं ऐड ही नहीं किया, तो सारा ब्लैंक आ रहा था। इसमें इस कोडिंग में ना थोड़ा सा कोई ना कोई प्रॉब्लम है कहीं पे ना, तो ये कैसा इश्यू है यहाँ पे। ठीक है, मैं सॉर्ट आउट करके व्हाट्सएप में बता दूंगा अगर होगा तो।
since I'm making line because time is over.